हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता। वेलकम टू माय चैनल श्वेताज किचन एंड लाइफस्टाइल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं घर में मौजूद चीज़ों से बनी एगलेस चॉकलेट केक की रेसिपी, जो आप बहुत आसानी से घर में बनाकर खा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए दोस्तों, जानते हैं चॉकलेट केक बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की ज़रूरत पड़ने वाली है। 1 1/4 कप मैदा लिया है, 1 कप पाउडर शुगर लिया है, नॉर्मल शुगर को मैंने मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लिया है, 1/4 कप मैंने कोको पाउडर लिया है, 1/2 कप मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है जो कि अनफ्लेवर्ड है, 2/3 कप मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर का मिल्क लिया है, 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है और 1 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस लिया है। केक बनाने के लिए ओवन को मैंने 180 डिग्री पे प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया है। अब हम इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक साथ इकट्ठा करेंगे। 1 1/4 कप मैदा, 1/4 कप कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 बेकिंग सोडा, 1/4 ये हो गया मेरा। अब रिफाइंड ऑयल डालेंगे, इसमें हम पाउडर शुगर को डालेंगे, और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस केक को हम ओवन में भी बना सकते हैं, ओटीजी में भी बना सकते हैं और कढ़ाई में या कुकर में भी बना सकते हैं। इसे हमें अच्छी तरह फेंटना है, थोड़ा ये फ्लफी हो जाए। पाउडर शुगर और रिफाइंड ऑयल को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। देखिए इसका टेक्सचर देखिए कैसा हो गया। अब हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे, इसे फेंट लेंगे और हम इसमें दूध डालेंगे, इसे भी मिक्स करेंगे। धीमे धीमे दूध डाल के भी इसे हमें फेंट लेना है। ये केक हम घर में सारे अवेलेबल सामान से ही बना रहे हैं, ये सारा सामान घर में जनरली अवेलेबल होता है। एक साथ हम पूरा नहीं डालेंगे मिक्सचर, ड्राई मिक्सचर जो है एक साथ नहीं डालेंगे, धीरे धीरे करके डालेंगे और इसे ऐसे मिक्स करेंगे। ओवन को केक का बैटर बनाने से पहले प्री हीट करके रखना पड़ता है, हमें इसे अच्छी तरह फेंटना है। और इस तरीके से अगर ये केक का बैटर नीचे गिरने लगे तो ये एकदम परफेक्ट बैटर है। ऑयल हमें ज़्यादा नहीं लगाना है, बिल्कुल एकदम हल्का लगाना है, ज़्यादा भी लगाने से वो सही नहीं होता है। इसके साइड में लगा देंगे, और
हम इसमें पार्चमेंट पेपर डाल देंगे। ये केक बनाने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिनका केक अगर चिपक जाता है तो वो निकालने में नहीं बनता है, तो ये वो ज़रूर लगाएं, इससे केक आसानी से निकल जाएगा। थोड़ा सा हम इस पर भी लगा देंगे और हल्का मैदा। ताकि साइड हमारा केक छोड़ दे, हल्का हल्का हमें इस तरीके से करना है। अब हम इसे इसमें उलट देंगे। देखिए हमारा बैटर कितना अच्छा तैयार हुआ है। इसी तरीके का हम आपको भी बनाना है। हमारा ओवन प्रीहीट हो चुका है। अब हम इसे 40 मिनट्स के लिए ओवन के अंदर डालेंगे। बैटर डालने के बाद दो बार इस तरीके से ज़रूर करें। इससे ना ये एयर बबल अंदर जो होंगे वो सारे बाहर आ जाएंगे। अब हम इसे ओवन में डालेंगे। मैंने 180 डिग्री पे ओटीजी को प्रीहीट कर लिया था और 180 डिग्री पे ही मैं इसको बेक कर रही हूँ। इसमें 40 मिनट पूरा टाइम लगता है, लेकिन 35 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा केक बेक हुआ है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा केक कितना अच्छा बना है और ये भी मैंने ओवन से निकाला है। इसको बनने में 40 मिनट्स लग गए हैं और ये देखिए, मैंने टूथपिक डालकर देखा तो ये टूथपिक को छोड़ रहा था। और इसकी एक और पहचान है कि केक हमारा हो चुका है। देखिए ये साइड साइड में केक ने टिन को छोड़ दिया है। और एक और पहचान है कि ये हम ऐसे दबाएंगे तो ये ऊपर की तरफ फिर आ जाएगा। ये तीनों पहचान है कि हमारा केक पूरी तरीके से बन चुका है। हमारा केक थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब हम इसे इससे बाहर निकाल देंगे। इस पेपर को हम देखिए, हमारा केक कितनी आसानी से बाहर निकल गया। और हम इसे फिर देखिए हमारा केक कितना अच्छा बना है। अब हम इसे 2 घंटे के लिए नॉर्मल होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये केक हमारा नॉर्मल हो जाएगा तो तब हम इसे काटेंगे। देखिए दोस्तों, मेरा केक पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब मैं इसे आपको काट कर दिखाऊंगी। देखिए कितना सॉफ्ट हुआ है। देखिए ये कितना सॉफ्ट हुआ है, स्पंजी हुआ है। घर में बड़ी चीज़ों से हम ये केक बना सकते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट स्पंजी हुआ है। आप भी बनाइए, खाइए और हमें कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का रेसिपी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सॉफ्ट स्पंजी केक है, चॉकलेट केक। आई होप सबको पसंद आएगा। थैंक यू।